أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین, अभी आप लोगों के सामने सूरत उन्निसा की आयत नंबर 23 की तिलावत की गई है. ये चौथे पारे की आखिरी आयत है जिसका तर्जुमा है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ निकाह के एतबार से, वबनातुकुम और तुम्हारी बेटियाँ, वअखवातुकुम और तुम्हारी बहनें, वअम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियाँ, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखे और भाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ, व बनातुल उख्ते और बहन की बेटियाँ यानी भांजियाँ, व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है यानी दूध शरीकी माएँ, व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ और तुम्हारी वो बहनें दूध शरीकी यानी तुम्हारी दूध शरीकी बहनें, व उम्महातु निसाइकुम और तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी सासें खुशदामन, व रबाइकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बहिन्ना और तुम्हारी रबीबाएँ जो तुम्हारी गोद में पली बड़ी हों तुम्हारी उन औरतों में से जिनके साथ तुमने सोहबत की हो, फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बहिन्ना अगर तुमने उनके साथ सोहबत नहीं की है, फला जनाहा अलैकुम तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है, वहलाइलु अबनाइकुम अल्लदीना मिन असलाबिकुम और तुम्हारे बेटों की बीवियाँ जो तुम्हारे सुल्ह से हों असली बेटे हों सगे बेटे हों, व अन तजमाउ बैनल उख्तैन और ये भी हराम है कि तुम जमा करो दो बहनों को बैक वक्त निकाह में, इल्ला मा कसलफ सिवाय जो हो चुका सो हो चुका, इन अल्लाह काना गफूर रहीमा बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है, वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम और शादीशुदा औरतें जो कैद निकाह में अभी हैं, इल्ला मा मलकत अयमानुकुम सिवाय ये कि वो तुम्हारी मिलके यमीन बन जाएं, किताब अल्लाह अलैकुम ये अल्लाह ताला ने लिख दिया है तुम पर, ये फ़र्ज़ है इनका एहतमाम करना इनका एहतराम करना, वहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम और हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए इसके अलावा जो भी औरतें हैं उनसे निकाह करना, अन तबतगु बिअम्वालिकुम कि तुम उन्हें चाहो अपने मालों के ज़रिए से, मुहसिनीन नियत हो हिसार निकाह में लाने की, गैर मसाफ़ही ना सिर्फ मस्ती निकालने की, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़ातुहुन्ना उजूरहुन्ना फ़रीज़ा तो जो कुछ भी तुम उनसे फ़ायदा उठाओ तमत्तु हासिल करो उनके ज़रिए, तो फ़ातुहुन्ना तो उन्हें अदा करो, उजूरहुन्ना उनके हक
फरीजा जो फर्ज है तयशुदा है मुकर्रर हुए हैं। वला जुनाह अलैकुम फीमा तराज़ैतुम बि मिन बादिल फरीजा, और तुम लोगों पर कोई हर्ज नहीं है उस मामले में जो आपसी रजामंदी के साथ तुम लोग कमी बेशी कर लो महर मुकर्रर होने के बाद। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और कमाल हिकमत वाला है। वमन लम यस्ततिअ मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मोमिनात, और जो कोई तुम में से इस्तेताअत नहीं रखता हो निकाह की मुहसिन मोमिनात खानदानी मोमिना औरतों से लड़कियों से। फमिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन फतियातिकुमुल मोमिनात, तो पस वो निकाह कर ले अपनी मोमिना कनीज़ों में से जो उनके कब्ज़े में हो। वल्लाहु आलम बीमानकुम, और अल्लाह ज़्यादा जानता है तुम्हारे ईमान के बारे में। बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम लोग आपस में एक दूसरे से हो। फन के हुन्ना बिइज़्न अहलिहिन्ना, बस निकाह करो उनसे उनके मालिक की इजाज़त के साथ। वातु हुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उन्हें उनका महर अदा करो मारूफ तरीक़े से। मुहसनातिन, उनकी नियत हिसार निकाह में आने की हो। गैर मुसाफहातिन, ना सिर्फ शहवत रानी हो। वला मुत्तखजात अखदान, ना वो सिर्फ चोरी छुपके आशनाई करने की नियत से आए। फैज़ा उहसिन्ना, बस जब वो हिसार निकाह में आ जाए। फ़ैना तैना बेफाहिशतिन, फिर वो कोई बुराई का इर्तकाब करे बेहयाई का इर्तकाब करे। फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनात मिनल अज़ाब, तो उन पर सज़ा है आधा जो ख़ानदानी लड़कियों पर है। ज़ालिका लिमन खशियल अनत मिनकुम, ये उस शख्स के लिए इजाज़त है जिसे डर हो अंदेशा में पड़ने की तुम में से। वअन तस्बिरु, और ये कि तुम सब्र ही किए रहो। खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यना लकुम, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए खोल खोल कर वजाहत के साथ बयान करे। वयहदियकुम सुनन मिन कब्लिकुम, और तुम्हारी रहनुमाई करे उन तौर तरीक़ों की, उन लोगों के तौर तरीक़ों की जो तुमसे पहले थे। वयतूब अलैकुम, और तुम पर नज़र करम करे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। वल्लाहु युरीद अन यतूब अलैकुम, अल्लाह ताला तुम पर नज़र करम करना चाहता है। वयुरीदुल्लदीना यत्तबूना अश्शहवात, और वो लोग जो ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करने वाले हैं। अन तमीलू मैलन अज़ीमा, वो चाहते हैं कि तुम राय हक से भटक जाओ बहुत दूर। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फ़ अनकुम, अल्लाह ताला तुम पर तख़फ़ीफ चाहता है, बोझ को हल्का करना चाहता है। वल खुलक़ल इंसान ज़ईफ़ा, और इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है।